نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم हमारी इस्लामी तालीमात का ताल्लुक कुरान और हदीस से है और फिक्र से है। तसव्वुफ की जितनी भी तालीमात हैं वो ज़्यादातर फारसी के अंदर हैं। पहले हमारे दरस निज़ामे में फारसी को बहुत बड़ी अहमियत हासिल थी। दरस निज़ामे के जितने भी तालिब इल्म थे वो जनाब गुलिस्तान, बोस्तान, पंजगंज, यूसुफ जलीखा, सिकंदर नामा बर्री और बाहरी, इन तमाम किताबों को पढ़ाते थे। मुसनवी शरीफ 9 जिल्दें उसकी मुसनवी शरीफ पढ़ाते थे। तो ये सब अशआर पर मुश्तमिल है और जो बात शेरों के अंदर कही जाती है उसका असर बहुत ज़्यादा होता है। तो हमारे असलाफ जितने भी बादशाह थे वो तकरीबन आलिम हुआ करते थे। जहांगीर बादशाह बहुत बड़ा आलिम था और फतावा जहांगीरी और दूसरी किताबें इन बादशाहों ने लिखी हैं। जहांगीर बादशाह की बेटी ज़ैबुन्निसा बहुत बड़ी आलिमा थी। वो इतनी आलिमा थी कि उसका जो कुतुबखाना था वो कई मीलों तक फैला हुआ था और उसने जो किताबें जमा की थीं वो मीलों पर, उसका कुतुबखाना जो था वो मशहूर था। उसकी अपनी किताबें और अपने अशआर बेहिसाब थे। तो हमारे सूफियाए किराम में से जिन्होंने तसव्वुफ पे और अखलाकियात पे किताबें लिखी हैं उसमें शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उसमें मुल्ला जामी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उसमें जनाब ये ज़ैबुन्निसा मख्फी उसकी किताबें हैं। तो फारसी का बहुत बड़ा काम जो है वो मौजूद है तसव्वुफ के अंदर और इस्लाम के अंदर। पाकिस्तान में अल्लामा इकबाल का ज़्यादा कलाम फारसी के अंदर है, इसी तरह गालिब का जितना भी ज़्यादा कलाम है वो फारसी के अंदर है। तो ये फारसी का निज़ाम में ये इन हजरात का बहुत बड़ा काम है। पहले दरस निज़ामी के अंदर गुलिस्तान, दोस्तान, ये तमाम किताबें पढ़ी जाती हैं। आप अंदाज़ा करें कि गुलिस्तान को जब शुरू किया जाता है तो सबसे पहले आता है मिन्नत खुदाए रा अज़्ज़ वजल, एहसान अल्लाह ताला के लिए जो इज्जत व जलाल वाला है, कि ताअतश मूजिब कुर्बतस, कि जिसकी इबादत करना वो कुर्ब का सबब है, और वह बशुक्र दरश मजीद नेमत, अगर अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा किया जाए तो नेमतें बढ़ती हैं। लिहाजा ये हुक्म है कि हर नेमत पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया जाए। और वह इन शक्र तुम लअज़ीदन नकुम, अगर तुम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करोगे तो अल्लाह ताला और ज्यादा बढ़ाएगा। लिहाजा अल्लाह ताला की नेमतें इतनी ज्यादा हैं कि उनका शुक्रिया अदा करना नामुमकिन है।